गणराज्य का संविधान दिन 26 नवंबर को चंद्रपुर योग नृत्य परिवार द्वारा सुबह 7 बजे आजाद बगीचा में धूमधाम से मनाया गया। सुबह योग नृत्य के बाद संविधान का पठन कर बाबा साहेब आम्बेडकर की और संविधान दिन के जय जयकार के जोशपूर्ण नारे लगाकर उपस्थितों में देश प्रेम की भावना को जागृत कर उत्साह भर दिया। उसके पश्चात देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई। इस अवसर पर योग नृत्य परिवार द्वारा एक संगोष्ठी एवं भव्य रैली का आयोजन भी किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि सुमित जोशी, न्यायाधीश और सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण केंद्र, योग नृत्य परिवार के मुखिया गोपाल मुंद्रा, भूतपूर्व नगर सेवक नंदू नागरकर, नागपुर मेट्रो समाचार के जिला प्रतिनिधि सुनील ताड़े उपस्थित थे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की छवि पर पुष्प अर्पित कर और संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाकर की गई। न्यायाधीश सुमित जोशी ने कहा कि संविधान किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए है और पॉक्सो एक्ट बच्चों के भविष्य और समाज के लिए कैसे उपयोगी है। अपने अध्यादेश भाषण में कहा कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। मुख्य अतिथि के मार्गदर्शन के बाद आजाद उद्यान से आम्बेडकर प्रतिमा तक शांति रैली निकाली गई। इस पर योग नृत्य के 500 से अधिक सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन मंगेश खोबराकडे, छाया हेरोडे, सरिता दुर्गे ने किया। सूत्र का संचालन डॉक्टर प्रतीक कामले ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अशोक पड़गिलवार ने किया। इस कार्यक्रम को सुरेश घोड़के, गीतेश गावंडे, मुग्धा खाड़े, रचना सहारे, नरेश महाकुड़कर, किरण तुरंकर व अन्य ने सफल बनाया। दिनांक 26 नवंबर 2023 अर्थात भारतीय संविधान दिन हा साजरा करण्यासाठी चंद्रपूर येथील मौलाना आझाद गार्डन उद्यान इथे आम्ही आलेलो आहोत। इथे लोक नृत्य परिवार ट्रस्ट यांच्या मुख्यालयातर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। या संविधान दिनानिमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। संविधान दिन का साजरा केला जातो याचं पार्श्वभूमी आपल्याला सांगतो। 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या समितीने संविधानाचा मसुदा अप्रुव्हलसाठी आपल्या पार्लमेंटकडे दिला होता आणि तो अप्रूव करण्यात आला 26 नोव्हेंबर रोजी आणि तो अंमलात आला 26 जानेवारी 1950 पासून आणि तेव्हापासून आपण अविरतपणे संविधान दिन साजरा करत असतो। आपल्या या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांना नक्की सांगू शकतो की संविधानाने आम्हाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत, तशाच काही जबाबदाऱ्या पण दिल्या आहेत, काही ड्युटीज पण दिल्या आहेत। तर जेव्हा अधिकाराची आपल्याला जाण आहे तेव्हा आपल्या जबाबदाऱ्यांची सुद्धा आपल्याला जाण असली पाहिजे आणि आपण सर्व या जाणीवेतून माणसाने माणसाने माणसासाठी काहीतरी करावं या जाणीव्यातून काही ना काही नक्कीच चांगलं करायला पाहिजे असं मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो। पुन्हा एकदा संविधान दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा। भारत योग नृत्य परिवार मुख्यालय चंद्रपूर द्वारा आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ लिया गया। इस संविधान की विशेषताएं आज हमारे बीच में न्यायाधीश सर, मुख्य न्यायाधीश सर जोशी सर यहाँ आए, उन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया और बाबा साहब की उस क्रांति को, उस विचारों को आगे बढ़ाने में हमें जो मार्गदर्शन उनके द्वारा मिला, और मैं विशेषकर आभारी हूँ उस मीडिया का जिन्होंने हमें आज पूरा कवरेज कर कर इस जनता तक के योग नृत्य परिवार के कार्यों को, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसे मीडियाओं को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मीडिया हमें इस ऊंचाई तक पहुंचा है। और योग नृत्य परिवार की विशेषता है कि रोगों से मुक्ति, स्वच्छता और अच्छे विचारों को आगे लाना, यही संकल्प हमारा। हम भारत की संविधान के निमित्त इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हम आगे करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक क्षेत्र से कोई जुड़ाव नहीं, हम कोई पार्टी से जुड़े नहीं है और हमारी एक ही व्यवस्था है, सेवा, त्याग और भाव। और हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस न्याय की व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा संकल्प। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जय, भारत माता की जय। एनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की स्पेशल रिपोर्ट।